सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गई हूँ राउंड ट्वेल्व का एक और वीडियो, और आप लोग की रिक्वेस्ट है 3 बैचलर्स के ऊपर रिएक्शन लेकर आओ, तो हाजिर हो गए हम आप लोग की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड दूसरी चीज ये है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो जो पुराने हैं, ठीक है। तो आप लोग सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। जो न्यू मुझे देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। बस करना क्या है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियो पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे 3 बैचलर्स के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 साल पहले का है, यानी इन लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब का होगा ये। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। अरे निकाले तीनों जरा बैठ ना, वॉल्यूम साले सबको मिलेगा इस पर। चलिए फ्लेम चैलेंज, अपनी वीडियो बना के डाल, जिसके सबसे ज्यादा इसका फ्लेम होंगे उसे मिलेगा 8 से 13 तारीख के बीच में एक MI का फोन। सही में डाउनलोड करूँ, बढ़िया है। पहली बार जिम ज्वाइन करा, अबे 49वीं तो छुट्टी है, कोई बात ना यार, दोबारा कर लेंगे। अरे ना जी, मैं बता रही हूँ अपन तीनों की गलती है ही नहीं। उस नई सेक्रेटरी ने क्या कहा था बता, उसने तो यही कहा था कि कौन लेगा सबसे पहले। बस यही तो नाजिम, बस यही तो नाजिम, अबे ओ बता क्या था क्या। अबे बस नाजिम यही तो, उसने कहा सेक्रेटरी ने कौन सबसे पहले लेगा, ये छोड़ गए उसमें, उसने कहा था सबसे पहले कौन प्रोजेक्ट लेगा। खैर छोड़ो, सारी नौकरियां लोंडियाबाजी की वजह से खत्म हुई अपनी। बच ओए पसी लोंडिया, देख रही तूने, देखा मुझे लाले गला घोट दूँ, प्यार हो गया थुका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी, और आज हाथ काटूंगा अपने प्यार में। हाथ क्या नाजिम, प्यार में नसें काटती है नसें, तो फिर इसकी नस काट ले। अबे तूने देखा क्या है, निगाहों से घर तक छोड़ गया हूँ उसे। नाजी आज वो घर पे खाना नहीं खाएगी मेरे प्यार की वजह से, कौन है उसका जिम्मेदार। अबे 120 की स्पीड से निकल के गई है, देखा ही क्या तूने उसमें, तूने क्या देखा था। उसकी जो ऑरेंज कलर की जूती थी उस पर जो नग था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके बाएं पैर की जो बत्ती थी वो भी टूटी हुई थी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। एक जान मैं तुझे बताता हूँ, लोंडिया मुझे ही देख रही थी, कैसे बताऊं देख, लोंडिया खड़ी थी 30 डिग्री के एंगल पे, है ना, तो एरिया ऑफ लोंडियाबाजी क्या होता है 1/2 लोंडे इंटू लोंडिया, है ना। ये तो भीड़ में लगा है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे लगा है। चल दूसरा लगा ले, कुल मिलाकर एरिया जो मिल रहा था तो 90 डिग्री के एंगल पे पेड़ है, पेड़ से टकरा के बस इन 30 डिग्री पकड़ा था, तू 90 पे मैं 45 पे, तो कुल मिलाकर मेल जा देख रही थी वो यार। तूने सारी वैल्यू घटा दी, गोलगप्पे के ठेले पे लगाया वाली वैल्यू जो लगा। उस लड़की का जो बाएं पैर की बद्दी टूटी हुई थी ना, वो रोल गोल्ड की थी। आजा पहले हिसाब ही कर ले, घर को आजा नानी, थ्योरी ऑफ लोंडिया वाली समझाया। अगर उस लड़की से प्यार हो गया ना तो एक जोड़ी जूती जरूर दिलानी यार उसे। तेरा स्टार खुलवा दिया उसके लिए, पहले हिसाब में तो निकल गया तेरा नाम। यहाँ को आ जाओ अल्बर्ट, लंडी स्टीन में क्या गया, एरिया ऑफ लोंडिया इक्वल टू 2×2 से लोंडे की गुणा कर दी, सही है। हम 3 जने खड़े थे वहां पे, लोंडिया का एंगल 30 बना। अब यहाँ को आ जाओ, जैन से जैन कट गया, नाजिम से नाजिम कट गया, बचे 2 जैन, अब 2 जैन से 1 बसीम कट गया, लोंडिया इक्वल टू जैन। अब हिसाब में कोई गड़बड़ी हो तो भैया दोनों बता दो। यार जैन मुझे तेरे हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी लग रही है यार। अबे हिसाब गलत है तो गलत है, साले कहाँ का गलत है, फॉर्मूला गलत लगा दिया। बस साले फॉर्मूला गलत मान लिया, तू क्या सोच लिया लोंडिया साइड होगी मुझसे। अबे 38 साल के बुड्ढे सलमान खान से 5-6 साल छोटा होगा, लोंडिया पटाके दिखाऊंगा तुझे। और तुझे साले कादर खान के साथ कंचे खेलने वाले इंसान, मुगले आजम रिलीज हुई तब भी 40 साल का था ये। सालो अंग्रेजों से लॉ लेने वाले
आ गया तुम तो तूने ना लिया ले तूने ना बिगाड़ा लोंडिया सेट करके दिखाऊंगा एक महीने में मैं तुझे दिखाऊंगा लोंडिया सेट करके एक महीने में कुछ देर लोंडिया पटेंगी अबे मिलो एक महीने के बाद तुम दोनों कह रहे होंगे आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं आईआईटी बस यही तो सर बता तो जाओ बस यही तो आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ तो इसमें पढ़ने वाला बच्चा गांड फीस पहले ले हुआ तो बच्चों सुन लो ये 30 दिन का कोर्स है अगर 28-25 दिन में जिसने किया वो बच्चा अरे बच्चों मेरी बात तो सुनो बैठो सर गंडे आए हैं पढ़ाई करने आए हैं अरे मेरे बेटे गंडे आप 30 दिन में पूरे साइड करो लोंडिया जल्दी मत करो गंडे नहीं कहूंगा ये तो एक श्रद्धा है इस कोचिंग सेंटर की जो टॉप मारता है सर ये आपने कोचिंग क्लासेस रखा सर बहुत असली नाम लग रही आई मुझे पता था तू जरूर पूछेगा सकल से ही भारू लग रहा था तू मुझे तेरी सच में तो नहीं गिर गया साले फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है ए जो करता है आपके लिए शिक्षिका एन नहीं के लिए और डी डीयू के लिए नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर तो इससे हम बनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी फॉर्मूला लगेगा नहीं क्वेश्चन बाकी भी शानदार है मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ भीड़ में जो लगेगा B=4AC और जो राजीव चौक का आप पूछ रहे हैं उसमें 2 से गुणा कर दो भीड़ की बस 4AC यहाँ पे आपका सी जो है भीड़ क्या करते हो यार तुम लोग सच में क्या बोलूं ना कुछ यूनिक ही रहता है कॉन्सेप्ट सच्ची भीड़ है ये जो है आपका सब्जेक्ट है फीस पूरी ले लूंगा बेटे भीड़ की यहाँ पे 200 गुना इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटा हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे पहले बद्दी लगेगी फॉर्मूला बाद में लगेगा और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर रैप्टा बड़ी भर के लगेगा तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे एक महीने में आपके सातों के सातों आपको करने पड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोंडिया वेलोसिटी ऑफ लोंडिया बाजार में लोंडिया मॉल में लोंडिया और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इसमें ये होगा शादी ब्याह में लोंडिया पूरा सब पूरा उतारने दियो अभी सर मैं कुछ कहना चाहता हूं हाँ बेटे बताओ सर मैं बाजार में लोंडिया नहीं छोड़ूंगा तेरे बाप को बोल रहा हूं तू तो कोचिंग दुख पा रहा अंकल आपका लड़का साफ मना कर रहा है बाजार में लड़की छेड़ने को कल कलाकू ये फेल हो जाएगा मेरे कोचिंग का नाम बदनाम होगा गाना बदनाम होगा सुबह लोंडे छेड़ने को मना कर रहा है बाजार में हाँ मैंने छेड़ूंगा पिछली बार बहुत पिटा बाजार में अपने बाप का नाम ऐसी बदनाम करेगा तू मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला अरे अंकल यही तो इम्पोर्टेंट है बाजार वाला इसमें से 4 नंबर का अलग ही रखा मुझे ये बता दो ये लड़का अगर लड़की छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा फीस पूरी ले लूंगा तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे क्यों बे क्या दिक्कत आ रही है लोंडिया क्यों नहीं छेड़ेगा पापा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा तू तो तेरा बाप भी छेड़ेगा अरे राम हद है यार सच्ची नाम बदनाम करा दे हमारा तो तू मार्केट में बदनाम तो अंकल आप हो गए और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे नहीं अब इससे पूछ लो ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा पूछो इससे
तुम्हें लास्ट बार पूछ रही हूँ छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा? पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं। हाथ बहुत धो लिया, आज ढाई लू। अच्छा, अरे कोई रिजल्ट एक महीने बाद मिल लिया है? रिजल्ट? अबे लोंडिया खुद पढ़ा लेता हूँ खुद, और जब मास्टर पढ़ा रहा था ना तुम्हें, उसे खुद कोचिंग दे रही हूँ मैं आज। साले लोंडिया से बोर हो गई हूँ, बस इतनी पढ़ा दी मैंने। अरे यहाँ तो कोई लोंडिया की गिनती नहीं है। बस एक लोंडिया ने मुझे देखा। अरे मुझे देख के भी इस बार तो नाइक की जूती पहनने की। साले निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ, आ जा हिसाब कर लो। कैलकुलेशन लेते बैठे हैं क्या? अरे रब्बा, मतलब वैसे उसके लिए ना वर्ड, मतलब बोलते हैं ना जहाँ पर कमी पड़ जाती है, वो चीज़ है कि कहाँ से इतना सोच लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं कि इसका हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे, इसकी एकेडमी बनाएंगे, उसकी कोचिंग लेंगे। ओए होए रब्बा मेरे। और वो जो कैलकुलेशन करते बैठे वो नीचे ना सुपर्ब था यार, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, उतनी कम है। मैं चाहते ना 100 मिलियंस हो जाए इनके, जल्दी से मजा आ जाए। लेकिन बड़े पर्दे को क्यों मना कर रहे मुझे नहीं पता। मेरा ड्रीम है वो, ऐसा नहीं करो प्लीज। खुद का बना लो कुछ, लेकिन बनाओ जरूर। तो यस, चलती हूँ मैं। अभी तक ना वो जोन में हूँ मैं कि कैसे इतना सोच लेते हैं, लेकिन टचवुड, रब जी की हमेशा इनके ऊपर ऐसी मेहर रहे। तो चलो जी गाइस, वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड राउंड टू हल्के फैंस के साथ में भी। एंड बीप के ऊपर बिल्कुल भी नाराज मत होना, क्योंकि पूरा चैनल जो है ना येलो डॉलर से भर गया, तो समझो थोड़ी सी इस बात को, और कॉपीराइट क्लेम से, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि मुझे यहां तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जरा चेक कर लीजिए। हाँ जी, वहां पर मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम जा रहा है और थोड़ा सा घर के कामों में बिजी हूँ, तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी रेगुलर हो जाऊंगी। तो तभी आप लोग, तभी नहीं तो अभी से आप लोग जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड दूसरी चीज ये कि वहां पर मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं आप लोग कि और क्या करना चाहिए, क्यों और कौन से चैलेंजेस आपको पसंद आएंगे। एंड मुझे यहां तक देखने के लिए हमेशा की तरह रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। 'Cause there's so many things left to explore, I don't